हूँ साना सिंह। आप सभी का स्वागत है द ऑर्चरिंग पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत अब स्कूलों में भी वर्चुअल लैब से पढ़ाई की सुविधा होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के 750 स्कूलों में विज्ञान एवं गणित विषय से संबंधित वर्चुअल लैब और 75 कौशल ई लैब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बच्चों में तर्क संगत सोच की क्षमता विकसित करने एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब तथा अनुकरणीय पठन पाठन का माहौल बनाने के उद्देश्य से 75 कौशल ई लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में ही वर्चुअल लैब स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत देश की कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के हिसाब से एक ऐसे आभासी संसार का सृजन किया गया है जहां वर्चुअल लैब के जरिए छात्र विज्ञान संबंधी प्रयोग एवं नवाचार कर सकते हैं। मसलन अगर किसी छात्र को वर्चुअल लैब के माध्यम से सर्किट तैयार करना हो तो इस वर्चुअल लैब से संबंधित विषय पर सभी उपकरण उपलब्ध हैं। उपयुक्त मात्रक वाले प्रतिरोध का उल्लेख कर छात्र सर्किट बना सकते हैं और वास्तविक आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अब स्कूलों में अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पाठ्यक्रम की बुनियादी जानकारी देने के बाद वर्चुअल लैब के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समाचार शैली यहीं समाप्त होती है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द ऑर्चरिंग। धन्यवाद।